इसके श्रवण करने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है और हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्धते प्रकृतिभिः, हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर विराजित हैं, इसे अवरुद्ध नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि बैठे हैं आप लोग। अवरुद्ध उसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति को हॉल में बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, उसे अवरुद्ध कहेंगे। लेकिन प्यारे, भागवत श्रवण करते समय भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सत्यव हृदयव रुद्धते त्रिकृतिभिः, सुश्रुष्वभिः तच्छदा। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्मविष्कृतं तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुक्ते नरः। श्रीमद् भागवत का आयोजन निर्मत्सर होकर के कराओ। कोई अभिमान अहंकार लेकर के भागवत का आयोजन, किसी को नीचा दिखाने के लिए आयोजन कभी नहीं करना चाहिए। प्यारे, अगर कोई ऐसा करता है तो कदाचित ठीक नहीं है। ऐसा मन में भाव रख करके देवो भूत्वा देवं यजेत, देवता की पूजा देव बनकर के ही करना चाहिए।